आइए आज बना लेते हैं मूली के गर्मा गर्म पराठे और धनिया टमाटर की बढ़िया चटपटी सी चटनी। ये देखिएगा, दो मूली को घिस करके कद्दूकस कर लीजिएगा, अदरक को कद्दूकस कर लीजिएगा, हरी मिर्चियों को काट लीजिएगा। ये देखिएगा, एक बड़ी कटोरी भर के आटा लेकर के और मसाले इसके अंदर मिला के भून लीजिएगा। अदरक डाल लीजिएगा, अजवाइन डालिए, हरी मिर्ची डालिएगा और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा, स्वाद अनुसार लाल मिर्ची पाउडर डालिएगा। आजकल मूली बहुत अच्छी आ रही है, मूली के पराठे बनाइए, खाइए, सबको बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये ब्रेकफास्ट में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, अजवाइन से पराठों का जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दो चम्मच इसके अंदर आप ऑयल डाल दीजिएगा ताकि हमारे पराठे जो है वो खस्ता और करारे बन के तैयार हो। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक डो बना लीजिएगा और बढ़िया सा डो बना लीजिएगा। थोड़ा सा तेल लगा करके उसको चिकना कर लीजिए। साथ में धनिया टमाटर लहसुन और हरी मिर्च डाल करके चटनी बना लीजिए। इसके अंदर एक चम्मच जीरा डाल दीजिएगा और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा, लाल मिर्च भी स्वाद अनुसार डाल करके बढ़िया सी चटनी तैयार कर लीजिएगा। चटनी पराठों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और पराठों का स्वाद दुगना बढ़ा देती है। ये देखिएगा, हरी धनिया की चटनी भी बन के तैयार हो गई है, आटा भी गूंद के तैयार हो गया है। और आइए एक पराठा बेल लेते हैं। पराठा में हल्के हाथों से ही बेलना है और तवे को मीडियम आंच पे रख कर हम तेल लगा करके इसको सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे, सेक लेंगे। ये देखिए, पराठे सेक के तैयार हो रहे हैं। सारे पराठे इस तरीके से हम सेक कर तैयार कर लेंगे। आप ब्रेकफास्ट में, लंच में भी इनको खा सकते हैं। ये पराठे खाने में बहुत स्वाद लगते हैं और अक्सर ही हम लोग घर में बनाते हैं। आप इस तरीके से चटनी के साथ बनाइए, सबको बहुत